हेलो, कैसे हो आप सब। फूड मेनिया बाय शिखा में मैं शिखा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है मिक्स वेज। इसको बनाने के लिए हमने लिया है कोहरा। इसको इस तरह से हमने छिलकर कट कर लिया है। दो आलू, इसको भी हमने छिलकर कट कर लिया है। ये दो बैंगन है, इसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये है लहसुन और हरी मिर्च, जिसको हमने मोटा कूट लिया है। एक टमाटर, नमक, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल, कसूरी मेथी, हींग, पंचफोरन जिसको आप कहते हैं पंचफोरन, दो सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना, सौंफ, जीरा, सरसों, मंगरेला। आप इसकी जगह पर पंचफोरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पर रख दिया हमने कढ़ाई, जिसमें हम सब्जी को कुक करेंगे। अब उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ये पंचफोरन और सूखी हुई लाल मिर्च। इसको हल्का सा हम भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हींग और कसूरी मेथी। इसको भी मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये भी इसके साथ भून जाए। अब इसमें डालेंगे हम ये लहसुन और हरी मिर्च को, जो हमने मोटा कूट कर रखा था। ये 4 कली लहसुन है और 2 हरी मिर्च है। इसको हमने दरदरा कूट लिया है। इसमें डाल देंगे बैंगन। सभी सब्जियों को हमने पहले से ही धो कर रखा था। अब डाल देंगे ये कोहरा, आलू, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें कच्चा केला भी ऐड कर सकते हैं। इसको छील कर उसे कट कर ले, उसको ऐड कर देंगे। इसमें डाला हमने स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे, जिससे कि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, ये सारे सूखे मसाले। इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इसे फिर से ढककर 5 मिनट तक कुक होने देंगे। बीच में इसे एक बार मिक्स कर देना है। ये देखिए सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी है, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम पानी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से इसमें आप पानी ऐड करें। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर 1 मिनट तक कुक होने देंगे। बनकर तैयार है ये सब्जी। गैस को किया हमने बंद। अब मैं कर देती हूँ इसको सर्व। ये देखिए हमने इसे सर्व कर दिया है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।